पवित्रा हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगी पनीर भुर्जी कैसे बनाता है, तो देखते रहिए। पनीर भुर्जी बनाने के लिए हमें चाहिए पनीर, ऑनियन, टमाटो, ग्रीन चिली, धनिया, नमक, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, किचन किंग, जीरा और पेपर पाउडर। पहले हमें ऑनियन और टमाटो फ्राई करना है। उसके लिए मैं पहले कढ़ाई में थोड़ी सी तेल लूंगी। अभी तेल गरम होने के बाद मैं ऐड कर दूंगी जीरा। फिर ग्रीन चिली, फिर ऑनियन और हमें अच्छे से ऑनियन को फ्राई करना है जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। ये ऑनियन ब्राउन होने के बाद मैं ऐड करूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको अच्छे से फ्राई करना है। जब ये जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छे से फ्राई हो गया तो उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ टमाटो। मैं ऐड करना है सब मसाला पाउडर। पहले मैं ऐड करूंगी हल्दी, फिर जीरा पाउडर, फिर धनिया पाउडर और किचन किंग। अब सब मसाला ऐड करने के बाद हमें इसको अच्छे से कुक करना है 5 to 6 मिनट्स के लिए। ये अभी अच्छे से कुक हो गया है तो अभी लास्ट में ऐड करना है पेपर पाउडर और फिर नमक। अभी ये मसाला रेडी है तो अभी इसमें ऐड करना है पनीर और पनीर डालने के बाद बहुत ज्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ 1-1.5 मिनट के बाद गैस को बंद कर दीजिए। बस इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं गैस को बंद कर रही हूँ और एंड में गार्निशिंग के लिए धनिया ऐड कर दीजिए। हमारा टेस्टी पनीर भुर्जी रेडी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।